असम में भारी बारिश के कारण बाढ़ के हालात है और काफी तबाही हुई है। इस बाढ़ के चलते 2 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। इस दौरान आज तक ने ये वीडियो असम में आई बाढ़ का बताकर चलाया। इसके अलावा इंडिया टीवी ने भी ये वीडियो असम का बताते हुए चलाया है। ये वीडियो असम का बताकर शेयर करने वालों में न्यूज 18 बांग्ला, भारत समाचार, ओडिया न्यूज चैनल ओटीवी न्यूज शामिल है। तो क्या वाकई में असम में आई बाढ़ के कारण ये लोहे का पुल ढह गया? इस वीडियो की असलियत का पता लगाने के लिए ऑल्ट न्यूज ने जांच शुरू की। गुवाहाटी प्लस ने ट्वीट करते हुए बताया कि ये वीडियो पुराना है और असम में आई बाढ़ का नहीं है। इंडोनेशिया में नेदरलैंड के राजदूत लेबर्ट ग्रेन्स ने ये वीडियो 6 अप्रैल 2021 को ट्वीट किया था। उन्होंने बताया था कि ये ईस्टर्न फ्लोर्स में आई बाढ़ के दृश्य है। ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी ABC ने 5 अप्रैल को ये वीडियो पब्लिश करते हुए बताया था कि ऑस्ट्रेलियन सरकार टीमोर लेस्ते की मदद के लिए सामने आई है। गूगल स्ट्रीट व्यू की मदद से देखने पर ऑल्ट न्यूज ने पाया कि ये ओल्ड कमनीरू ब्रिज है। ये इंडोनेशिया की सुम्बा रीजेंसी में है। गूगल स्ट्रीट व्यू पर मौजूद इस ब्रिज के विजुअल्स वायरल वीडियो से मेल खाते हैं। यानी मीडिया संगठनों ने बिना जांच किए बाढ़ का ये पुराना वीडियो असम का बताकर शेयर किया। गौर करें कि आज तक का खुद का फैक्ट चेकिंग डेस्क है, फिर भी आज तक ने कई बार बिना वेरीफाई किए सोशल मीडिया के दावे चलाए हैं।